हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सबकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, आप सब ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था हेयर ड्राई की वीडियो, तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबकी पसंद की हेयर ड्राई की वीडियो कि मैं किस तरह से अपने बालों को सुखाती हूँ, तो उसकी वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और आप सब हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बिल्कुल वीडियो जो है बहुत छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने यहाँ पर अपने बाल धोए थे आज, तो बाल धोने के बाद मैंने अपने बाल को अच्छे तरीके से पैक कर लिया है ये कॉटन के गमछे में, अच्छे तरीके से पैक कर लिया है ताकि जितने भी मतलब बालों में से पानी टपक रहे हैं वो सारे सूख जाएं। जब बालों में से हल्के से पानी सूख जाएंगे उसके बाद हम इसे ड्राई करना चालू करेंगे, मतलब नेचुरल तरीके से, जिस तरह से नेचुरल तरीके से करते हैं उस तरह से हेयर ड्राई से हम ड्राई नहीं करेंगे, देसी स्टाइल से हेयर ड्राई करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और हाँ, आप सब कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा ये साड़ी लुक है कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बेसब्री से इंतज़ार होगा आप सबके कमेंट का, तो प्लीज़ कमेंट करना कोई मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं मेरे बालों से सारा पानी सूख चुका है, तो अब हम इसे देसी तरीके से हेयर ड्राई करेंगे। अब नेक्स्ट हम करेंगे इस तरह से, आप लोगों की फरमाइश थी कि मैं अपने बालों को इस तरह से झटकूं, तो इस तरह से मैं सच बताऊं मैं झटकती तो नहीं हूँ इस तरह से बाल, क्योंकि इस तरह से बाल झटकना नहीं चाहिए। इस तरह से बाल झटकने से क्या होते हैं ना, दो मुंह बाल हो जाते हैं, तो इस तरह से मैं बिल्कुल ड्राई नहीं करती हूँ, पर आप सबकी रिक्वेस्ट थी तो मैंने सोचा चलो कर देते हैं। जिस तरह से मैं हेयर ड्राई कर रही हूँ उस तरह से बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल रॉन्ग है। इस तरह से करने से दो मुंह बाल हो जाते हैं, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। मैं भी नहीं करती हूँ इस तरह से, मैं करती हूँ जिस जब मैं बाल धोती हूँ तो टॉवल से अच्छे तरीके से बालों को मोड़ लेती हूँ, जब पानी सूख जाते हैं तो खोल कर अच्छे तरीके से बालों को फैला कर सुखाती हूँ। बस इस तरह से मैं हेयर ड्राई करती हूँ, इस तरह से झटकती नहीं हूँ, और मेरे से होता भी नहीं है, सच बता रही हूँ मेरे से होता भी नहीं, आप सब देख सकते हो। जब हम अपने बालों को मोड़ते हैं ना टॉवल में तो वो अपने आप पूरा पानी सोख कर लेते हैं, कॉटन की टॉवल जो होता है वो पूरा पानी सोख कर लेता है, तो इस तरह से झटकने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पर आप सबकी फरमाइश थी तो पूरी तो करनी थी ना, तो मैंने पूरा कर दिया। आई होप सो आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मेरे बाल सूख चुके हैं, देख सकते हैं मेरा हेयर ड्राई हो चुका है। और क्या बताऊं मैं आप सबको अपनी तकलीफ, मतलब बरसात में इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है, काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होता है, मेरे तो काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं, खास करके बरसात में बहुत ज़्यादा सभी के होते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ जब बाल गिरते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं हमेशा जूड़ा बना के रखती हूँ ताकि ये प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े मुझे।
और ये आप सब देखिए मेरी मस्ती, मेरा स्टाइल। हाय, क्या स्टाइल है ना। तो प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए मेरी ये पागलपंती को। तो चलिए, आप सब प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी। आप सबकी हर एक फरमाइश की वीडियो मैं बनाती हूँ और आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कैसी लगी आप सबको मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप सब पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ आप सबसे अपने नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ, नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।